गुड मॉर्निंग क्लास। सो टुडे इज 12th डे ऑफ आवर हिंदी क्लास एंड टुडे आज हम क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे अपना प्रार्थना पत्र, पत्र और प्रस्ताव। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अपनी फाइल ओपन करो और स्क्रीन पर भी ध्यान से देखो। आज का हमारा टॉपिक है गर्मियों की छुट्टियां साथ बिताने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र। गर्मियों की छुट्टियां साथ बिताने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र, मतलब कि आपको अपने फ्रेंड के साथ अपनी गर्मियों की छुट्टियां बितानी है तो उसको आपको उसके लिए एक पत्र लिखना है। ठीक है, सो जो आपको यहां पर दिया हुआ है डेट और एड्रेस वही आप मेंशन करोगे अपने पत्र में, अपनी पीएनबी में। आपको पीएनबी में लिखना है, एफएनबी में पहले नहीं लिखना है। पीएनबी में लिखोगे फिर आपको करेक्टली पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद फिर आप अपनी एफएनबी में लिखोगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। राजधानी पार्क नई दिल्ली, यही लिखना है, सेम टू सेम एड्रेस। राजधानी पार्क नई दिल्ली, दिनांक 7 जुलाई 2021। मित्र शुभम, मधुर स्मृति। ऐसा कैसे लिखना है डिट्टो, जो यहाँ पर स्क्रीन पर आ रहा है या फिर जो मैं बोल रही हूँ वही लिखना है, मधुर स्मृति। मुझे आशा है कि तुम्हारे विद्यालय में गर्मियों की छुट्टियों पर चर्चा होने लग गई है। कई विद्यार्थियों ने छुट्टियों में घूमने की योजना भी बना ली होगी, जैसे कि आप पहले बना लेते हो ना कि हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, छुट्टियाँ हो जाएं स्कूल में। तो ठीक है, तो आप भी इस समय कहीं पर जाने का कार्यक्रम बनाने की तैयारी कर रहे होंगे। मैं इस पत्र द्वारा गर्मियों की छुट्टियां साथ बिताने के लिए निमंत्रण भेज रहा हूं, मतलब कि मैं आपको एक पत्र भेज रहा हूं जिसमें हम गर्मियों की छुट्टियां साथ में बिताएं उसका निमंत्रण है। निमंत्रण मतलब होता है इनवाइट। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है, यहां तक आपकी लाइन फिनिश फर्स्ट है, यहां पर खत्म करना है। नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है, यह तो तुम्हें मालूम ही है कि मेरे मामा जी शिमला में मुख्याध्यापक हैं। उन्होंने पत्र भेजकर मुझे शिमला आने के लिए कहा है। शिमला का मौसम भी सुहावना रहता है। सुहावना मतलब कि अच्छा, वेदर वहां पर अच्छा होता है ना, ना गर्मी नहीं होती है। तो मामा जी कार द्वारा हमें घुमा भी देंगे और स्कूल का काम करने में हमारी मदद भी करेंगे। ठीक है, मामा जी हमें गाड़ी में घुमा भी देंगे और स्कूल का काम करने में हमारी मदद भी करेंगे। वहां पर मेरे पहले से ही कई मित्र हैं। हम साथ साथ घूमेंगे तथा खेलेंगे। मुझे आशा है कि आप यह स्वर्णिम अवसर, स्वर्णिम मतलब गोल्डन चांस, स्वर्णिम अवसर को अपने हाथ से नहीं जाने दोगे। व्यय के बारे में कोई चिंता न करना, वह सब प्रबंध मैंने पहले से ही कर लिया है। व्यय के बारे में मतलब कि खर्चे के बारे में चिंता मत करना, यह प्रबंध मैं पहले से ही कर चुका हूँ। तुम मेरे पास कब तक पहुंच जाओगे, शीघ्र लिखना। शीघ्र होता है जल्दी। ठीक है, तुम मेरे पास कब तक पहुंच जाओगे, शीघ्र लिखना। माताजी तथा पिताजी को मेरी तरफ से प्रणाम कहना। तुम्हारा प्रिय मित्र, एंड में नाम लिखना है। ठीक है, एंड में अपना ही नाम लिख देना, इसमें कुछ स्पेशल मेंशन नहीं किया हुआ कि किसका है, कौन किसको लेटर लिख रहा है। तो एंड में तुम्हारा प्रिय मित्र, एंड में जो भी आपका नाम है वो लिख देना। ओके, ठीक है, ये आपको पूरा का पूरा पत्र अपनी पहले पीएनबी पे लिखना है, यहाँ से देखकर, स्क्रीन से देखकर, और अपनी फिर एफएनबी पे लिखना है। ठीक है, थैंक यू।